धूने का मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ बाबा के धूने का। देखो बाबा का धूना चेतन है, और धूना जो होता है ना बेटा, वो हर व्यक्ति को चेतन करना चाहिए बाबा। हम सुबह शाम बाबा का धूना चेतन करते हैं। ये देखो ये जगह है धूने की, है ना, और ये दीपक जल रहा है बाबा भोलेनाथ का, वो जल रहा है दीपक। देखो वो दिया बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज का जल रहा है, और ये धूना है ना, धूना चेतन जो कर रखा है अपने बाबा का। तो धूने पर नौना चौरा सिद्ध वास करते हैं, और धूने पर समस्त शक्तियाँ जो है वो धूने पर वास करती हैं, और धूने पर ही गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने जो 1400 शिष्यों के साथ वास करते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। जो बच्चा धूने की सेवा करता है, नाथों की कृपा उस पर सदा बनी रहती है, नाथ सदा उस पर मेहरबान रहते हैं और सदा उस पर कृपा रहती है। तो ये पानी का गिलास है बाबा का, है ना, और इसमें जो भोग दिया गया है वो बतासे लोग, बतासे का भोग मैं बाबा के धूने में देता हूँ, और सुबह शाम धूना चेतन होता है, सुबह शाम ही धूने में बाबा का भोग दिया जाता है। ठीक है, धूने में जो शक्तियाँ होती हैं उन सभी शक्तियों का मैं भोग देता हूँ, जैसे माता काली का, बालाजी महाराज का भी, बाबा मोहनराम का धूने में ही भोग दिया जाता है। ठीक है, बाबा भैरवनाथ का धूने में ही भोग दिया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने सोचा कि आपको दर्शन करा दूँ बाबा के धूने के, तो दर्शन कर लो बाबा के धूने के। बाबा कृपा करें, सब पर कृपा करें, सबके सबकी झोली भरे, सब पर अपना आशीष बनाए रखें, और सदा मेहरबान रहें धूनेधारी, कृपा बनाए रखें मेरे बाबा गुरु कृष्ण जी महाराज, बाबा भोलेनाथ कैलाश के राजा। जय हो, आपकी सदा जय हो।